अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बहुत ही अहम दिन है। सरकारी मुलाजमीन की सारा साल की जद्दोजहद का ये दिन होता है, जिसमें बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया जाता है। तो अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से वफाकी काबीना में सबसे जो हॉट पॉइंट है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा बना हुआ है। इसमें वजारत ख़जाना ने जो तजावीज़ दी हैं उस पर और वज़ीर आज़म के दरमियान जो है वो बहस जारी है। वजारत ख़जाना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ दी है, लेकिन वज़ीर आज़म इससे मुत्तफिक नहीं है और इस हवाले से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से वजारत ख़जाना को हदायत भी जारी कर दी हैं। इसमें दो किस्म की तजावीज़ हैं, जिसमें पेंशन में 15% और तनख्वाहों में 20% इजाफे के हवाले से अडहाक रिलीफ अलाउंस देने के हवाले से बहस जारी है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। इस हवाले से जैसे ही फर्दर कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद अपने हकूक़ के हसूल के हवाले से भी जमा है, जिसकी सरबराही रहमान अली बाजवा कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन ने कल से जो है वो एहतजाज शुरू किया था और रात गए जो है वो वहाँ पर धरना दे दिया था और अब भी एहतजाज वहाँ पर जारी है। सरकारी मुलाजमीन का कहना है कि 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएँ, जिन खसूसी तौर पर वो मुलाजमीन जिनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से हुकूमत ये मुत्तफिक हो चुकी थी कि ये वाकई महरूम मुलाजमीन है। महरूम मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो अब तक के हवाले से काबीना के इजलास की कार्रवाई आपके साथ शेयर की है। 20% तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से वजारत ख़जाना ने तजवीज़ दी थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इससे मुत्तफिक नहीं हुए और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। अब मज़ीद क्या खबर आती है उसके लिए चैनल से आपने जुड़े रहना है। जैसी फर्दर अपडेट आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।